तो आज हम प्रैक्टिकली समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उसके लिए मेरे पास लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है। अभी आप इसका कलर देख लीजिए, व्हाइट कलर का है। जैसे मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड को डालता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों येलो कलर का कितना गजब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि पीला बादल पानी के अंदर आ गया। थोड़ा सा और डालते हैं, आप देख सकते हैं येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम इसको फिल्टर पेपर से अलग भी कर सकते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट बना है ये है लेड आयोडाइड। चलिए इसे फिल्टर पेपर से अलग करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा लेड आयोडाइड था येलो कलर का प्रेसिपिटेट, वो सब फिल्टर पेपर में स्टोर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये है लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट और बाकी इसमें बचा है पोटेशियम नाइट्रेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, पहला वाला दूसरे में हो जाएगा, दूसरा वाला पहले में हो जाएगा।